तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए आज 21 अगस्त और 21 अगस्त का सेकंड सेट का पेपर ओवर हो चुका है, तो इस पेपर में जीएस और जीएस संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम आपके सामने उसको सारे के सारे लेके आ रहे हैं। तो इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन से जुड़ लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगी सारे एग्जाम संबंधित कंप्लीट एनालिसिस के वीडियो और साथ ही साथ कंप्लीट जो मेन टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, लिखा हुआ 20, उसके बाद आ गया 17, फिर आया 14, फिर आया 11, तो आपसे पूछ लिया ये अगला नंबर कौन सा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर -3 हो रहा है, ये भी हो रहा है -3, ये भी -3 हो रहा है, तो 11 में भी से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा जो 8 है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है टोटल ग्रुप इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें टोटल ग्रुप कितने हैं। तो अगर इसमें ग्रुप की बात करें तो ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल ऊपर से नीचे आते हैं ये ग्रुप होते हैं, और जब हम ये दाएं से बाएं जाते हैं तो ये आपके पीरियड होते हैं। तो ग्रुप जो होते हैं कुल मिला के 18 ग्रुप होते हैं, जिसमें लास्ट वाला जो ग्रुप होता है वो बोलते हैं हम लोग नोबल गैस का ग्रुप है, यानी कि वो इनर्ट गैसों का ग्रुप बोलते हैं, अक्रिय गैसें बोलते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। रीजन ये होता कि उनके सारे सारे जो कंप्लीट सेल होते हैं वो फुल होते हैं, वो किसी से और से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला आया था कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो किस पार्ट में होता है, तो ये होता है यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में ही चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, भ्रूण का विकास पूछा था तो वो यूट्रस में ही होता है। एक क्वेश्चन आया था मेगास्थनीज कहाँ का था, आपको पता यूनान का एक राजदूत था मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज यूनानी था जो चंद्रगुप्त के दरबार में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो करके मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि आपको वहाँ पे पॉलिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, मैथ के कोर्सेज मिल जाएंगे और भी कई सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। मैं आया था अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया था ESPN प्लेयर ऑफ द ईयर, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर जिसको भी पता होगा आंसर जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे जितने आंसर पता होते मैं तुरंत आपको उसको लिख देता हूँ, और जो आंसर मुझे नहीं पता चलता अगर गूगल पे भी नहीं मिलते तो मैं उसे आप तुरंत आपके सामने लिख देता हूँ, आप उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कई सारे लोगों ने बताया कि दांती दुर्ग जो है वो राजकूत वंश का संस्थापक था, तो पिछले वाले जो पहले से अपने क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन आया था पैरा ओलंपिक गेम 2016 ये कहाँ पे हुआ। आपको पता है कि ओलंपिक गेम जो होता है हर 2 साल पे होता है, और ये पैरा ओलंपिक की बात करें या फिर आप ओलंपिक की बात करो तो वो एक ही जगह होता है, तो पैरा ओलंपिक हुआ था रियो ब्राजील में, पता है आपको रियो डे जेनेरियो में ब्राजील में जो पड़ता है वहाँ पे पैरा ओलंपिक हुआ था, और ओलंपिक भी वहीं का हुआ था 2020, क्योंकि 2016 में ओलंपिक हो गया, तो हो सकता है कल आपसे जो अगला 29 साल का पेपर है उसमें 2020 का पूछ ले, तो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ होगा, 2020 वाला होगा टोक्यो में, 2024 वाला पेरिस में होगा, वो भी आप जान सकते हो। एक क्वेश्चन आया था रामविलास पासवान के ऊपर, ये किस पार्टी से संबंधित है, तो ये जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में ये एक सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और ये भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से भी एक हैं, ठीक है, दलित राजनीति जो होती है उसकी नेताओं में से एक है, लेकिन ये पार्टी किसके हैं, किस पार्टी से, ये है जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर F=ma पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसे फॉर्मूले पे वो बताया था कि वहाँ पे फोर्स आपका दिया था न्यूटन में और मास दिया था kg में, तो करना वो कुछ नहीं था, सिर्फ a बराबर हम क्या लिख देते हैं, F/m लिख देते हैं। मैंने आपको जो पिछला वाला वीडियो कराया है 21 तारीख के पहले से का, उसमें मैंने आपको मैथ की जो एनालिसिस कराई हुई है उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं जीएस के भी, तो अभी तक आपने अगर मैथ की एनालिसिस नहीं देखी पिछला वीडियो की जरूर देखिए, आपको वो वीडियो में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके आप जरूर देखिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका नाम पूछा था आपसे, तो ये होती तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका ही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आया था कि राइट साइड से अगर देखा जाए तो, यानी हम इस साइड से आ रहे हैं राइट साइड से, ABCD हम इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर हम राइट साइड से देखें तो 10वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट पड़ेगा,
तो सामने से जो 17वें से पड़ेगा वो पीछे से कितने पे पड़ेगा, 10वें से, क्योंकि 17 10 27 और हम बाद में एक माइनस भी करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सामने 17वें पड़ेगा वही पीछे से 10वें पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्यू। देखिए मैंने आपको लिख के भी दे दिया कि 2020 वाला जो हुआ था टोक्यो में होगा, हुआ नहीं था अभी, सॉरी 2020 आने वाला, तो ये होगा टोक्यो में जो ओलंपिक गेम्स है, और पहला और पैरा ओलंपिक भी यहीं पर होगा, और 2014 का जो होगा, 2024 का जो होगा वो पेरिस में होगा। अगले और भी क्वेश्चन को बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ कि फिनांस मिनिस्टर हरियाणा के, तो मैंने आपको अपने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें आपको मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट बताया हुआ है कि राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा है, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करी है मैंने उस वीडियो में। तो फिनांस मिनिस्टर की बात अगर ये कर रहे हैं तो ये अभिमन्यु है हरियाणा के फिनांस मिनिस्टर। एक क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र के गवर्नर, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी पहले आ चुका आपको पता, देवेंद्र फडणवीस हैं। वहाँ के गवर्नर की बात कर रहा तो विद्यासागर राव महाराष्ट्र के क्या हैं, गवर्नर है, राज्यपाल है महाराष्ट्र के। एक क्वेश्चन ये आया था कि गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है, तो ये है वीपी सिंह, पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। डीमोनेटाइजेशन डेट, यानी आपको पता कि पिछले साल ही जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक भाषण में आके कि डिमोनेटाइजेशन आज से लागू होता, आज से जो 1000 के और 500 के नोट है वो नहीं चलेंगे, यानी कि विमुद्रीकरण बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन का, हिंदी में बोलेंगे तो 8 नवंबर से डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था भारत में लागू हो गया था। एक क्वेश्चन आया था एंड एरा ऑफ डार्कनेस, काफ़ी फेमस बुक है और काफ़ी फेमस आदमी के द्वारा लिखी भी गई है, तो इसे लिखा हुआ था शशि थरूर जी ने, एंड एरा ऑफ डार्कनेस। चलिए और भी क्वेश्चन को बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था जो केरला में थुम्बा नामक जगह है, वो जगह का महत्व तो क्या है, वो जगह है किस लिए, तो बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन भेजे। तो वैसे तो देखा जाए तो वो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, लेकिन इसके अलावा हम आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि थुम्बा मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम के पास में है और एक मछुआरों का गाँव है थुम्बा। ये पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब 1962 में, याद रखिए 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो अगर देखा जाए आंसर, तो आंसर जो सही होगा वो होगा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है थुम्बा। चलिए बात करते हैं अपने, देखिए सुबह वाले क्वेश्चन आए हुए थे, ये आपको बता दें एनिस्कल टू 11th नंबर ऑफ डायगनल्स। और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे अपने सारे के सारे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे आप भेज सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के बाद अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप जो वहाँ से ज्वाइन करोगे तो आप मेरे नंबर पर भी वहाँ पर आप आंसर भेज सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज टू लाइक एंड शेयर।